वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड सूजी सैंडविच, जो कि मिनटों में तैयार हो जाती है और काफी टेस्टी लगती है, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि हमने उसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। और ब्रेड सूजी सैंडविच बनाने के लिए हम लोग ने लिए है सूजी, जिसे हमने 10 मिनट पहले नॉर्मल पानी में भिगो दिया था, और ये लिए है साथ में दही, और ये लिए है बॉयल किए हुए कॉर्न, और साथ में हमारे स्वाद अनुसार नमक, आप जितना भी चाहो डाल सकते हो, और ये है गाजर, ये है हम लोग ने हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, प्याज, और एक पैकेट लिया है मैगी मसाला, और ये लिए हम लोग ने चीज स्लाइस, और थोड़ा सा बटर लिया है, तो ये ले लिए हम लोग ने ब्रेड। तो चलिए अब रेसिपी तैयार करते हैं। और पहले हम सूजी में थोड़ा सा स्वादानुसार नमक मिला लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फिर हमने इसमें ऐड कर ली है दही, और फिर इसे अच्छे से मिलाएंगे। दही और सूजी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं मैगी मसाला। इससे पहले हम सूजी को अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेंगे ताकि वो स्मूथली पूरी घुल जाए। और अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं मैगी मसाला। मैगी मसाले से टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छा आ जाता है। अब हमने ले लिया ब्रेड, और सूजी का जो पेस्ट हम लोग ने तैयार किया था उसे अब हम ब्रेड पे अच्छी तरह से लगा लेंगे। अब इसमें हम लगाएंगे प्याज की स्लाइसें, और प्याज की स्लाइस लगाने के बाद हमने इसमें ऐड किया है टमाटर, और थोड़ी सी इसमें हम लगा लेंगे गाजर, और फिर हम डालेंगे इसमें कॉर्न जो कि हमने पहले से बॉइल करके रखे थे, और फिर इसमें सूजी का ऊपर से थोड़ा सा और पेस्ट लगा लेंगे। इसमें हमने मिर्च स्किप कर दी है, और अगर आप बच्चे वगैरह के लिए बना रहे हैं तो मिर्च स्किप कर सकते हो, चाहो तो डाल सकते हो। हमने पहले से ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था गैस पे, और अब हम इसमें लगा लेते हैं थोड़ा सा बटर। तरफ से हम लोगों ने पेस्ट लगाया था उसी तरफ से हम ब्रेड को डाल देंगे, और इसे पकने के लिए थोड़ी देर से छोड़ देंगे। ब्रेड की दूसरी तरफ भी हमने बटर को अच्छे से लगा लिया है, क्योंकि हमें ब्रेड को दोनों तरफ से सेकना है। जब तक ब्रेड सिक रही है तरह हम बाकी ब्रेड की भी स्लाइसें तैयार कर लेते हैं। तब तक एक तरफ से ब्रेड भुनने के बाद हम इसे दूसरी तरफ से भून लेंगे। ये दोनों स्लाइस अभी डाली हमने, और ये हमारी ब्रेड सूजी सैंडविच बनकर एकदम रेडी है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर लिया है पनीर स्लाइस, जो कि दोनों ब्रेड के बीच में हमें लगा लेनी है। ब्रेड अभी गर्म है तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, फिर हम ब्रेड को काट लेंगे बीच से। उसके बाद हमने की प्लेटिंग। यहाँ हमारी ब्रेड सूजी सैंडविच बनकर एकदम रेडी है। सैंडविच तो हमारी बनके एकदम रेडी है, और मैंने इसे सर्व किया है टोमेटो सॉस के साथ, और साथ में ली है सेजवान चटनी। टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। बहुत ही टेस्टी बनी है, और रेसिपी तो मैंने आपके साथ पूरी शेयर की है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। और आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, वो भी सबसे पहले। तो मिलते हैं इसी तरह किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। एक मिनट रुको। और आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हो, हमने लिए मेयोनीज की, और आप इसे किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हो। तो हमने लिए मीठी जो है वो चिली सॉस ली, हमने इसे सर्व की रेसिपी से। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? जा रही है, ऐसे करो बस, ऐसे तुम करो। तो आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी दीदी।